तो गाइस अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे ब्लैक डे के अवसर पे जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सीएससी राजापाकर वैशाली में जितने भी पैरामेडिकल बॉयज गर्ल्स हैं तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है सीएससी राजापाकर वैशाली के प्रांगण में। गर्ल्स भी है बॉयज भी है। अब सभी लोग आ रहे हैं एक एक करके भारत माता के सामने कैंडल जलाने। तो गाइस एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं और कुछ इस प्रकार दर्शक से भी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। गाइस ये सब दर्शक है ठीक है, बाकी बहुत भीड़ था, सारे दर्शक यहाँ से एक एक करके निकल चुके हैं। गाइस देखिए बहुत ही दुख भी हो रहा है वो दिन को याद करके। किसी को वैलेंटाइन याद है तो किसी को वैलेंटाइन, किसी को वैलेंटाइन याद है तो किसी को वॉलंटियर, किसी को वाइन याद है तो किसी को फ्रंटियर, किसी के लिए ब्लैक डे है तो किसी के लिए न्यू ईयर, किसी ने दोस्तों के साथ शहीदों के लिए मोमबत्तियां जलाई तो कुछ दोस्तों के साथ करेंगे चीयर। हाँ वो आज का ही दिन था जब कोई अपनी प्रेमिका के बालों में खुशी खुशी फूल लगा रहा था और वही कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के शरीर के ऊपर रो रो कर फूल चढ़ा रही थी। अगर वैलेंटाइन डे से फुर्सत मिल जाए तो ब्लैक डे भी मना लेना, अगर वैलेंटाइन डे से फुर्सत मिल जाए तो ब्लैक डे भी मना लेना, पहले मना लो तुम फुर्सत से वैलेंटाइन डे, लेकिन बाद में पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को भी सिर झुकाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर देना। ए आजाद देश के युवा मेरी यही फरियाद है, ए आजाद देश के युवा मेरी यही फरियाद है, क्या तुझे पुलवामा का वो मनहूस दिन याद है, जब दुश्मन का सिपाही धोखे से आया इलाके में, जब सैनिकों का पूरा काफिला उड़ा दिया धमाके में। है चीख दर्द की गूंज रही पुलवामा की चट्टानों पर, है चीख दर्द की गूंज रही पुलवामा की चट्टानों पर, वार किया दुश्मन ने छल से देश के पहरेदारों को, है नमन मेरा उन शहीदों को जिन्होंने जान गवाई थी, बदले में दुश्मन के घर में घुसकर मचा ही तबाही थी, है भरा हुआ आक्रोश अभी में उस बुजदिली हिमाकत का, हाँ शोक मनाता देश आज उन वीर की शहादत का, हाँ शोक मनाता देश आज उन वीर की शहादत का, हर वीर सपूत को कोटि कोटि नमन जिन्होंने देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने
प्राणों का बलिदान दिया। मैं भारत के सभी वीर सपूतों, वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और अंत में अपनी चंदवाणी को विराम देते हुए ये शपथ लेना चाहती हूँ कि मिट जाऊंगी रण में या मिटा दूंगी गद्दारों को, मिट जाऊंगी रण में या मिटा दूंगी गद्दारों को, हुकूमत मरते दम तक भी यही कहूंगी। जय हिंद, जय भारत।